दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रही है। आज सुबह की अगर बात करें तो कई इलाकों में 450 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया, जो कि काफ़ी गंभीर और ख़तरनाक है। शाम का वक्त हो चुका है और अब अगर बात करें तो तस्वीरें अक्षरधाम की आप देखिए कि किस तरीके से प्रदूषण की मोटी चादर आपको यहाँ पर नज़र आएगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स की आज अगर बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में 450 के ऊपर बना रहा। अगर बात करें तो आनंद विहार में 449 बना रहा, वहीं इंडिया गेट में अगर बात करें तो 430 बना रहा। वहीं अगर बात करें तो जिस तरीके से हम इस वक्त अक्षरधाम मंदिर में हैं, यहां का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 है, यानी कि बेहद ख़राब स्थिति में दिल्ली की हवा हो चुकी है। अगर एक तरीके से कहें कि जो स्मॉग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और हवा में जो है लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ये दिल्ली की स्थिति कमोबेश हर वर्ष होती है ऐसे। जब अगर बात करें तो लगातार सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद केंद्र सरकार और दिल्ली राज्य सरकार अभी तक वो मुकम्मल व्यवस्था नहीं कर सकी जिससे कि दिल्ली में इस तरीके की प्रदूषण की स्थिति को रोका जा सके। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदूषण की मोटी चादर यहाँ पर नज़र आ रही है। ख़ासतौर से अगर बात करें तो जो बुज़ुर्ग हैं और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हानिकारक है, क्योंकि उनके लंग्स को ये सीधे अफेक्ट करते हैं, लंग्स को सीधे जाके कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाते हैं। और डॉक्टर भी साफ तौर पे कहते हैं कि अगर बहुत ही जरूरी काम हो तभी घर के बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर बेमतलब कार्यों के लिए ना निकले, क्योंकि प्रदूषण का स्तर काफ़ी खतरनाक लेवल पे है। और मास्क लगाकर निकले जिससे कि PM 2.5 और PM 10 से बचाव हो सके। तो ये स्थिति दिल्ली की इस वक्त है और लगातार जो प्रदूषण की स्थिति है वो ऐसी ही बनी हुई है। जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। अगर हवा तेज नहीं चलती या फिर बारिश नहीं हो सकती होती है तो इससे ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी खराब हो सकती है। तो फिलहाल अगर अभी बात करें तो लगातार दिल्ली सरकार कई जगह पानी का छिड़काव कर रही है, कई जगह बात करें तो स्मॉग टावर के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये सब अभी तक नाकाफी नज़र आ रहे हैं और लगातार दिल्ली की जो हवा है वो अभी भी खराब बनी हुई है। कमिश्नर वीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, दिल्ली। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।